नमस्कार, मैं प्रफुल्ल पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे साथ एक मौजूद हैं युवा जिनका नाम है इंजीनियर विजय दुबे। तो आप ये सोच रहे हैं कि आज एक नॉर्मल युवा के साथ मैं क्यों जुड़ा हूं, उसके पीछे रीज़न है कि युवा के नज़रिए से मैं दिखाना चाहता हूं कि गोपालगंज में किस तरह की तकलीफ़ें हैं, क्या क्या मुद्दा फ़िलहाल है, क्योंकि पॉलिटिक्स तो काफ़ी ज़ोर शोर से है, काफ़ी तेज़ रफ्तार पकड़ा हुआ है गोपालगंज ज़िले में। तो विजय जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद प्रफुल्ल जी कि आपने अपना समय निकाल कर हम लोगों से युवाओं की बात आप कर रहे हैं, खुद भी युवा हैं और बहुत अच्छा लगा, वेलकम है आपका। हाँ, सच बात है, अभी युवा ही हूँ। बात करते हैं, आप चूँकि गोपालगंज के हैं, ठीक है, इंजीनियर भी हैं, तो आप क्या लगता है गोपालगंज में किस टाइप की डेवलपमेंट चाहिए और पढ़ाई को लेकर कितना सजग है गोपालगंज फिलहाल? देखिए, हम बीटेक जो किए हम लोग चंडीगढ़ से पढ़ाई किए हैं और लगा था कि यहाँ पढ़ के कुछ किया जा सकता है। होम डिस्ट्रिक्ट में एजुकेशन के नाम पे, मतलब कहा क्या जाए कि एजुकेशन के नाम पे जीरो है। 5-5 साल पे लड़के बीए फाइनल करते हैं। आप सोच के देखिए कि एक एज लिमिट होती है। अभी एक होम गार्ड का अभी जॉब आया है, 30,000 सैलरी जो भी है, व्हाट अबाउट, बट उसमें क्या है कि एक एज लिमिट होता है। आप सोचिए कि जो बीए 5 साल में यहाँ बिहार गवर्नमेंट करा पाती है, बीए 5 साल, तो ये तो हमारा रहेगा नहीं, तो हम किसी फॉर्म को भरने लायक नहीं रहेंगे। दूसरी स्थिति ये हो जा रही है कि कोई भी वैकेंसी जो निकलती है वो टाइम पे पूरा नहीं हो की जा रही है, शुरू से लेके आज तक। ठीक है, आप सीधे शिक्षा के मुद्दा पर आ गए, मैं शिक्षा को जवाब, शिक्षा का स्तर इतना गिर चुका है जिसका अंदाज़ा नहीं है। और नेता मतलब क्या बताऊँ, ये पॉलिटिक्स से हम लोग खुद भी इससे मतलब पागल हो गए हैं कि आखिर देखा जाएगा तो क्या देखा जाए, क्या मैं बोलूँ, किस मुद्दे पर बोलूँ। एक एक टॉपिक है कि आप दिन भर बात करेंगे मेरे से, दिन भर डिबेट करेंगे तो बात ख़त्म नहीं होगी। एक भी प्रोग्रेस, शिक्षा हुआ, एजुकेशन हुआ, बेरोजगारी हुआ, बाढ़ की समस्या हुआ, किसी भी समस्या पर अगर सरकार ने अगर अच्छा काम किया रहता तो आज गर्व के साथ हमने भी सोचने का समय इसलिए मिल गया कि पिछले 4-5 महीने से लॉकडाउन में हम लोग घर पे घिरे हुए थे। यहाँ के इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, एडवोकेट जो भी लोग हैं, मिलते जुलते बात विचार करते हुए आज हम लोग को सोचने का टाइम मिला है। और सोचने के टाइम के उपरांत ही हम लोग ये डिसीजन ले पा रहे हैं कि नहीं, कोई किसी ने कुछ काम नहीं किया है। अगर आपको लगता है आपके नज़र में काम किया है तो बताइए, एक ही मुद्दा बताइए जिस मुद्दे पर मैं आपसे बात कर लूँ जी, हाँ उसने, आप बोल दीजिए कि जनप्रतिनिधि ने अच्छा काम किया है। एक्चुअली विजय जी, मुझे भी एक बात बड़ा खटकता है और मुझे भी बुरा लगता है जब आप भी यहाँ पे लोकल किसी से आप पूछने जाइएगा, खासकर बिहार में, आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, आप कहाँ से पढ़े हैं, तो उनका एक ही जवाब होगा, मैं दिल्ली से पढ़ा हूँ, मैं मुंबई से पढ़ा हूँ, मैं बैंगलोर से पढ़ा हूँ। बहुत कम लोग के, मतलब मेरे हिसाब से 10% भी बच्चे नहीं होंगे जो बोलेंगे मैं बिहार से पढ़ा हूँ, बिहार में मैं इंजीनियरिंग करा है, बिहार में मेडिकल में करा है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खटकती है, इस पर मतलब आपको क्या लगता है? देखिए, बिहार का पैसा दूसरे स्टेट में जा रहा है। हाँ, आप समझ सकते हैं ना कि दूसरे स्टेट में जाना, यानी हम लोग जैसे पढ़ाई करते हैं चंडीगढ़, लखनऊ और दिल्ली, तो यानी हमारे यहाँ का जो पैसा होता है दूसरे स्टेटों में जाता है, वहाँ हम लोग रूम लेते हैं, वहाँ का पैसा खर्च करते हैं और वहीं से पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो चीज़ें बनाई नहीं गई है, सिस्टम वो दिया नहीं गया। ऐसा नहीं है कि संसाधन की कमी है, पैसा की कमी है। हमारे यहाँ तो जितने क्या बोलते हैं, जितने यूनिवर्सिटी या कॉलेज बनवाने में हमारे साल हर साल बाढ़ में उतना पैसा दहवा दिया जाता है। दहवाने के लिए इसलिए मैं बोलूँगा कि हर बांध बनाता है, आपको पता है करोड़ों का फिगर होता है फिगर। हम लोग तो चिवड़ा मीठा थोड़ा सा बांट दे रहे हैं तभी भी लोगों को राहत मिल जा रहा है, वो वाला जो अरबों करोड़, 200 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़, ये फिगर जाता कहाँ है, तो आपको भी समझना चाहिए, हमको भी समझना चाहिए। और मीडिया से भी मैं पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों का भी क्वेश्चन होना चाहिए कि आखिर जब बांध बनाता है, शिक्षा पर पैसा खर्च होता है, तो आखिर ग्राउंड पर दिखता क्यों नहीं है? और एक चीज़ है, हर साल बाढ़ बांधा जाता है, हर साल उसकी रिपेयरिंग होती है, हर साल टूटती है। वही तो मैं सबसे, अब मैं नाम किसी का लूँगा जनप्रतिनिधि का, तो आपको ये राजनीति हो रही है, मैं बता रहा हूँ सबसे ज़्यादा यहाँ पे पैसा बाढ़ में फ्लड में लगाया जाता है, सबसे ज़्यादा। आज जैसे जब पानी जब आता है ना, तो टेंडर शुरू हो जाता है, फ्लड का काम दिया, मेरे भी एक दो दोस्त कर रहे हैं काम, नाम मैं नहीं लूँगा, वो लोग भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हाँ एक बोरा रखाइए, 1,000 लिखाइए।
तो इसलिए करप्शन का मुद्दा आ जाएगा, आप फिर लगेगा जांच बैठने। तो अभी हम नहीं बोलना चाहते, लेकिन मैं दुख के साथ कह रहा हूँ, दिल बहुत दुखी थे, क्योंकि 2-3 दिन पहले मेरा एक दोस्त फांसी लगा के मर गया है पटना में। साथ में हमने जिसके साथ 4 साल जॉब किया है, वो लड़का फांसी लगा के मर गया ड्यू टू मतलब क्या बोलते हैं, बेरोजगारी कह सकते हैं, बेरोजगारी भी नहीं कह सकते, ड्यू टू मतलब मेंटल हैरेसमेंट। हाँ, मेंटल हैरेसमेंट। देखिए, हर आदमी का अपना एक खर्च करने का एक लिमिट होता है, जो हम कैसे हम अपना लाइफ स्टाइल को कैसे जिए, उसके अकॉर्डिंग अगर फिट नहीं आता है तो आदमी मेंटल टॉर्चर में आ जाता है। तो कहीं ना कहीं हमको जहाँ तक लग रहा है दोषी तो है, कोई ना कोई तो दोषी है। अगर हम आज हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हम भी दोषी होंगे, हमारे भी बच्चे होने वाले कहेंगे कि पापा ने कुछ आवाज़ नहीं, हमारे साथ भले 2 ही लोग हैं, हम अकेले हैं, आवाज़ हम सही के लिए उठा रहे हैं ना, तो अच्छा है, बात सही है। अब चूंकि आप इंजीनियर हैं, तो आपको क्या लगता है कोई परमानेंट सोल्यूशन है बाढ़ का, कि उनका जो बांध है वो प्रॉपर वे में प्रिपेयर हो जाए, कि बार बार वो टूटने की समस्या, बार बार पैसे लगाने की समस्या? देखिए, क्या बताता हूँ कि ये कोई बड़ी समस्या नहीं है, बाढ़ वाली समस्या कोई बड़ी नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ सुखाड़ भी है, जहाँ सुखाड़ है वहाँ तो पानी की आवश्यकता है। पानी अगर नहीं बरसता है तो कितना त्राहिमान हो जाता है पूरे मतलब विश्व में। हम ये कह चाहें, आइए, ऐसा नहीं है कि अपने स्टेट के, दूसरे स्टेट में ऑलरेडी ऐसी समस्या थी और उसको निवारण किया गया, लेकिन हमारे यहाँ तो करना ही नहीं है, निवारण करना ही नहीं है। आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, 100 में से 76 लड़के बाढ़ में रहते हैं हर बार। हम लोग तो लॉकडाउन हो गया, 4 दिन के लिए लॉकडाउन हुआ था, अरे लॉकडाउन हुआ है, बहुत परेशानी हुआ। पूरे बिहार के 100 में से 96 परिवार बाढ़ में रहता है, हर साल 4 महीना रहता है बाढ़ में, पानी में जीता है, उसी में लैट्रिन करता है, उसी में डिब्बा में खाना खाता है। तो क्या समस्या परमानेंट नहीं होनी चाहिए? आपको नहीं लगता है इसके लिए परमानेंट मॉल बनवा रहे हैं, यूनिवर्सिटी बनवा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे? आपको तो एक बाढ़ नहीं समझ में आ रहा है, किस बात के लिए आप लोग मैंने राजनीति कर रहे हैं? आप लोगों को तो संन्यास ले लेना चाहिए राजनीति से, अगर जो भी लोग जनप्रतिनिधि है, और लोकल जनप्रतिनिधि अगर इस मुद्दे को नहीं उठाता है। हम तो कह रहे हैं कि अगर हमारे मतलब कोई भी विधायक बन जाए, कोई ये नहीं है, अगर युवक बन जाए, और मतलब एक होना चाहिए ना कि हम बोल रहे हैं इस मुद्दे पर, बोल रहे हैं हॉस्पिटल की व्यवस्था में, मेरे खुद का लड़का मेरा हॉस्पिटल में एक्सपायर किया है, इसी गोपालगंज हॉस्पिटल में नॉर्मल डिलीवरी के चक्कर में एक्सपायर किया है। आपको क्या बताऊं, यहाँ पे इतना अच्छा ट्रीटमेंट होता है, और फिर भी हमें आपसे बोल रहा हूँ, कहने का मतलब कि इतना होने के बाद सारी चीज़ें फैसिलिटी कमी नहीं है, ग्राउंड बनाना कमी है, मतलब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के पास पैसे आ रहे हैं, फंडिंग्स आ रहे हैं, लेकिन उसका यूटिलाइज नहीं हो रहा है। क्या बता रहा हूँ, फंडिंग कोई अपने घर से नहीं ला रहे हैं, फंडिंग हम ही लोग दे रहे हैं, ये भी सच्चाई है कि हम ही लोग दे रहे हैं, लेकिन हम ही लोग दे रहे हैं, हम ही लोगों को बातों को नहीं ध्यान में नहीं दिया जा रहा है। सोच के देखिए कि जिसका खुद का बेटा बोल रहा है कि एस्पायर किया हो इसी गोपालगंज सदर अस्पताल में, अब नॉर्मली मतलब कुछ नहीं हुआ था, पेशेंट बिल्कुल ठीक था और एस्पायर कर गया, उसके बाद बड़ा ऑपरेशन कर दिया गया पेशेंट को, मतलब पेट में दाब के, मतलब जो भी चीज़ें होता है, अब क्या मैं बताऊँ, उस पर ज़्यादा बोलने हुआ तो आंसू आ जाएंगे, लेकिन सोचिए कि इतना दुख दर्द देख के अगर हम नहीं बोल रहे हैं तो यानी हम मूर्ख हैं, ठीक है? जेन्युइन मुद्दा है, हमारे साथ हो सकता है तो ऐसा नहीं कि आपके साथ नहीं होगा, ये भी मैं बता रहा हूँ, प्रफुल्ल जी ये दिमाग में रख लीजिए कि हमारे साथ हो सकता है और हमारे गोपालगंज जिला में बहुतों के साथ ऐसा हुआ है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। आज तो हमारा, चलिए आप हम लोगों का जो भी एक्टिविटी देख के आप आ गए हमसे पूछने, तो आज निकल गया दिल की बात, फर्स्ट बार मैं बात बोल रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। 2013-14 में हुआ था ये घटना, पेपर में भी बहुत अच्छा पृष्ठ आया था कि नहीं ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हुआ, 5-7 साल से मैं झेल रहा था, लेकिन आज मौका मिला है आपके चैनल के माध्यम से, चाहे हमारे युवा वर्ग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अच्छी अच्छी खासी तैयार टीम तैयार हो चुकी है, 10-15 हज़ार की टीम अभी है गोपालगंज विधानसभा के लिए, अभी तो हमसे पूछना ही पड़ेगा। और नहीं तो आपको चैनल के माध्यम से ये भी बता रहा हूँ, जिस संगठन को हम लोग समर्थन है उसी का विधायक बनेगा, वो कोई भी संगठन हो, ये ओपन चैलेंज रहेगा हमारा। बस इस बार युवा उतर चुके हैं मैदान में, अब जंग काफ़ी ख़तरनाक होने वाली है। ये है बिहार के गोपालगंज ज़िले की हकीकत, इंजीनियर विजय दुबे की ज़ुबानी। ये तो आपने सुना, बिहार गोपालगंज की हकीकत आपके सामने रहा। तो ये थी कुछ खास बात इंजीनियर विजय दुबे के साथ, तो इसी के साथ इजाज़त लेते हैं, नमस्कार, धन्यवाद।